एक वही भाई थे जो अपने बहनों के सपनों को पूरा करते थे, जो बहन कहती थी उसको पूरा करते थे। रक्षाबंधन करीब आने वाला है और बहन कह रही है अब किसके हाथों में राखी बांधेंगे। वो भाई जो मेरा सब कुछ था आज खो गया है, अब रक्षाबंधन के जो रक्षाबंधन होता है उसमें हम राखी किस भाई को बांधेंगे। बड़ा दर्द होता है ऐसे सिचुएशन को देखकर, और सामने बहन भी बैठी हुई है, सबको संभाल रही है और अपने आप को भी संभाल रही है। क्या दर्द है सामने आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। क्या नाम है? गुड़िया से। अच्छा, क्या आपसे मतलब बातें होती थी ना? आपने जितना हम उसके बारे में जानते थे कोई नहीं जानता था, क्योंकि हमसे हर अपने दिल की बात शेयर करता था। वो हमको अपनी बहन नहीं अपनी माँ के बराबर समझता था। उसको इतने बड़े पसे हम पाले थे। जब हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं था तब से वो बोला दीदी हमको 1 साल का टाइम दे दोगी तो हम तुमको नौकरी दे देंगे। हम कहे पक्का? तो कह रहे हाँ पक्का। 1 साल रातों दिन हम उसकी सेवा किए, पढ़ाई लिखाई में साथ दिए। हमारा भाई 12 महीना पूरा होते होते हम आर्मी का ज्वाइनिंग कर लिया। हमारे एक आंसू हमारे आँख से कभी निकलने नहीं दिया था। कभी हम ससुराल में थे तो कभी नॉर्मल बात कर देती थी, कहते थे दीदी तुमको क्या कष्ट है हमसे बताओ। हमसे रखिया के दिन वहाँ पूरा करता। अच्छा बंधन के दिन सुबह फोन करता था। आज हमको इतने दिन के बाद 5-6 साल के बाद हमसे रक्षाबंधन बंधवाने आया था। उससे पहले ही शहीद हो गया। अपने भाई को अपने बेटे से बढ़ के पाले थे। उसका सपना था कि हम देश की सेवा करें। देश की सेवा करते करते वो कहते हमसे कहा दीदी देश की सेवा करते करते अगर मैं शहीद हो जाऊं तो हमारे शहीद होने पर कोई आंसू मत बहाना। इसने पे हम उसका मुंह बंद कर लिए। अच्छा, अपने पत्नी के बारे में मतलब उनका भविष्य क्या था कि आगे चल के और क्या करना है उनको? वो बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था लेकिन ईमानदारी से कमा के उसके अंदर कोई बेईमानी नहीं था, नहीं भाई भतीजा से नहीं बाहर वाले लोगों से किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं था। हद से ज्यादा सहयोग करता जाता। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? उनकी एक धर्म पत्नी है, 1 साल शादी को हुए थे और आज अब वो उनका उनका जीवन काल कैसे चलेगा? उनकी पत्नी के लिए आप क्या चाहती हैं? हमारे जो भाई थे उनकी जो नौकरी है हमारे बड़े भाई को मिल जाए, क्योंकि हमारे घर में अब कोई बाहरी कमाई नहीं है जिससे कि घर कैसे चलेगा, कोई सहारा नहीं है। आज जो उनकी पत्नी है उनके लिए भी कुछ किया जाए। अब उनके मन में क्या है हम तो बता नहीं सकते। अब वो भी इस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी दशा बता सके, लेकिन उनकी बहुत बड़ी जिंदगी है। आज नहीं समझ में आ रहा है लेकिन बाद में समझ में आएगा। आज तो सब कोई सहारा है लेकिन कल के नहीं कोई रहेगा। एक बहन कह रही है एक वही एक कमाऊ पुत्र थे और हम उनको अपना एक बेटा मानते थे और बचपन से उनको अपन हमने पाला है, और क्या सपने और इरादे थे अपने परिवार के वो इनके बहन द्वारा हमने आपको सुनाया। आज उनका जीवन काल बहुत ही लंबा है और उनके परिवार का भी एक लौता कमाऊ पुत्र था वो, जो आज भारत माता की सेवा करते हुए शहीद हो गए। तो हम चाहेंगे आप जनता से और हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी आला अधिकारी हमारी बातें अगर सुन रहे हो इनकी जरूर से जरूर हेल्प हो, और जनता से चाहेंगे कि इनकी आवाज़ें उस लेवल तक पहुंचाइए जहां इनको इंसाफ मिल सके।
क्या दर्द होता है, क्या गम होता है जब किसी का घर का एक लौकता एक पुत्र जब खोता है तो वो गम उसके परिवार वाले ही जान सकते हैं। ऐसे में हम इस समय पड़ौना सोहवाडी में स्थित हैं और उनके पैतृक गांव में स्थित हैं।